हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू लर्न करो क्लासेस आई एम अनुष्का और मेंटोर एंड आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यू तो यहाँ हम डेली 11 बजे आके काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हेलो संध्या भाई जितने भी प्रेजेंट है सेशन को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को बुला लेना ताकि स्टार्ट कर सकें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है फटाफट से आ जाओ सारे हेलो कृष्णा चलो जी स्टार्ट करें चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिज्म एंड फाइंड इट्स मैक्सिमम लाइफ स्पेन आपको क्या सेलेक्ट करना है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखना है आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनिज्म और उसका मैक्सिमम लाइफ स्पेन क्या हो सकता है तो ऑप्शन देख लो ऑप्शन क्या है आपके पास ऑप्शन ए है स्पैरो जिसका लाइफ स्पेन दे रखा है ट्वेंटी फाइव बी दे रखा है क्रो जिसका लाइफ स्पेन है थर्टी ईयर्स सी दे रखा है क्रो जिसका लाइफ स्पेन है फिफ्टी ईयर्स और डी है यहाँ ईगल जिसका लाइफ स्पेन है गुड मॉर्निंग एवरीवन हेलो एवरीवन आज स्टार्ट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर वन पे है करेक्ट आंसर करेंगे आप सभी आपको आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनिज्म और उसका मैक्सिमम लाइफ स्पेन करेक्ट आंसर क्या होगा वेरी गुड एवरी वन बिल्कुल करेक्ट गुड फ्रेंड्स कृष्णा अनिल वेरी गुड सचिन बिल्कुल सही जा रहे हो तो करेक्ट आंसर की बात करे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी की क्रो जिसके मैक्सिमम लाइफ स्पेन की बात करे तो कितना होता है फिफ्टीन ईयर्स और अगर हम जस्ट देखें कि लाइफ स्पेन क्या होता है तो आपको अच्छे से क्लियर होगा लाइफ स्पेन की बात हम जब भी करते हैं हम क्या बोलते हैं टाइम टाइम पीरियड पीरियड नेचुरल नेचुरल बर्थ बर्थ से लेक, बर्थ से लेके डेथ तक का जो है वो क्या कहलाता है लाइफ स्पेन कहलाता है होप आपने करेक्ट आंसर किया वेरी गुड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है क्वेश्चन है हमारे पास सिंगल सेल एनिमल्स आर सेट टू बी इमोर्टल बिकॉज यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि सिंगल सेल एनिमल जो है इन्हें इमोर्टल बोला जाता है यानी कि ऐसे हैं जिनकी डेथ नहीं होती तो ऐसा किस वजह से बोला जाता है ऑप्शन देख लो they grew, indefinitely in size, B दे ग्रो आई इन डेफिनेटली इन साइज बी दे रखा है दे कैन टॉलरेट एनी डिग्री ऑफ चेंज इन टेम्परेचर सी दे रखा है दे कैन रिप्रोड्यूसर लाइफ स्पेन एंड ऑप्शन डी है किस वजह से हम सिंगल सेल एनिमल्स को इमोर्टल बोल पाते हैं तो करेक्ट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का वेरी गुड गुड ऋषि संध्या वेरी गुड तिशु जितने भी प्रेजेंट है भाई सेशन को लाइक कर देना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एक तरह से ये रिवीजन सीरीज है आपके काफी क्वेश्चन है हमने प्रैक्टिस करे हैं यहाँ उसको जस्ट एक रिवीजन करवाएंगे ताकि वो अगर एग्जाम में आए तो वो गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी ना रहे तो करेक्ट आंसर बिल्कुल सही मैक्सिमम बच्चों के बिल्कुल करेक्ट है तो यहाँ करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दे कॉन्टिन्यू टू लिव एजर डॉटर सेल कैसे जिंदा रहते हैं कि आगे जैसे ही सेल का साइज बढ़ता है वो डिवाइड हो जाती है डॉटर सेल्स में जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इमोर्टल है क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है अमंग द टर्म्स लिस्टेड बिलो दो नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम ऑफ फ्लोरल होल आपको बताना है टेक्निकली करेक्ट नाम कौन सा नहीं है गिव ऑप्शन में से तो ए क्या दे रखा है एंड्रोशियम बी है आपके पास सेकेंड कार्पल थर्ड दे रखा है कोरोला और डी है यहाँ फोर्थ दे रखा है सेपल्स तो करेक्ट आंसर बता दो क्या होगा ऑप्शन ए में बोल रहे हैं फर्स्ट एंड फोर्थ बी में बोल रहे हैं थर्ड एंड फोर्थ सी है सेकेंड एंड फोर्थ और डी दे रखा है फर्स्ट एंड सेकेंड आपको क्या बताना है दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम्स ऑफ द फ्लोर होल तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर करेंगे सभी बिल्कुल सही तो क्वेश्चन नंबर थ्री के करेक्ट आंसर की बात करें क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेकेंड और फोर्थ क्या दे रखा था सेकेंड और फोर्थ जो है देख सकते हैं आप सेकेंड और फोर्थ तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा करेक्ट नाम नहीं है फ्लोरल होल के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर क्या है इन अ टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्शुअल एंड हाइपोगेनस फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोर होल्स ऑन द थेलेमस फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू द इनर मोस्ट करेक्ट बताना है आपको यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है इन अ टिपिकल कंप्लीट हाइपोगाइनस फ्लावर द अरेंजमेंट जो अरेंजमेंट है यहाँ पे फ्लोर होल्स का थेलेमस के ऊपर आपको बताना है फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फोर का बताएंगे भाई ऑप्शन देख लो ऑप्शन क्या है कैलेक्स कॉरोला एंड्रोशियम का आपको ध्यान रखना है आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट बताना है बी दे रखा है कैलेक्स कॉरोला गायनोशियम एंड एंड्रोशियम सी है गायनोशियम एंड्रोशियम कॉरोला एंड कैलेक्स और डी दे रखा है एंड्रोशियम गायनोशियम कॉरोला एंड कैलेक्स तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का वेरी गुड बिल्कुल सही तो करेक्ट आंसर की बात करें करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास हमें क्या देखना था आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट देखना था तो जब हमें आउटर मोस्ट से किधर जाना था भाई इनर मोस्ट की तरफ तो क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ सीक्वेंस जो हमारे पास ऑप्शन नंबर वन में था यानी कि कैलेक्स कोरोला एंड्रोशियम एंड गायनोशियम बिल्कुल करेक्ट होगा और यहाँ काफी बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट थे और जितने प्रेजेंट है भाई सेशन को लाइक कर देना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है होप आपको हो रहे समझ आ रहे होंगे कुछ रिविजन की तरह भी है यहाँ क्वेश्चन तो ध्यान रखना उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे चलो जी क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है क्वेश्चन है इन डायको प्लांट किसके बारे में दे रखा है इन डायकॉर्ड प्लांट बियर्स फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड ये बात करें कि एक डायकॉट प्लांट है जिसके पास फ्लावर्स होते हैं लेकिन कभी भी फ्रूट या सीड वो नहीं बनाता द मोस्ट प्रोबेबल कॉज फॉर द अब सिचुएशन तो आपको बताने ये जो सिचुएशन यहाँ गिवन है इसके लिए मोस्ट प्रोबेबल बात कौन सी सही होगी गिवन केस के लिए तो ऑप्शन ए क्या है प्लांट इज डाइशियस एंड बियर ओनली पिस्टलेट फ्लावर बी क्या दे रखा है प्लांट इज डाइशियस एंड बियर्स बोथ एंड स्टेमिनेट फ्लावर्स सी है प्लांट इज मोनोशियस और डी दे रखा है प्लांट इज डाइशियस एंड बियर ओनली स्टेमिनेट फ्लावर तो करेक्ट आंसर बताना है ये आपसे बात कर रहे हैं डाइकॉट प्लांट है फ्लावरिंग करता है लेकिन कभी भी फ्रूट या सीड प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ऐसा कब देखने को मिलेगा जब वो फ्लावर की बात करें तो वो फ्लावर कैसा होगा मेल फ्लावर होगा तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर की बात करें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्लांट डाइशियस है और सिर्फ और सिर्फ स्टेमिनेट फ्लावर्स बियर करता है यानी कि मेल फ्लार्स ही बियर करता है इसी वजह से इसके पास ना ही फ्रूट फॉर्मेशन देखा जाएगा ना ही इस पे सीड का फॉर्मेशन देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं काफी इजी क्वेश्चन है आपको बताना है नॉन एसेसरी होल्स इन अ फ्लार आपको बताना है नॉन एसेसरी कौन से हैं दो इसमें होते थे और बाकी कैसे होते थे नॉन नेसेसरी तो वो सेलेक्ट करना है ऑप्शन क्या दे रखा है कैलेक्स एंड्रोशियम बी दे रखा है कोरोला कोरोला गायनोशियम सी है कैलेक्स एंड और डी है यहाँ गायनोशियम एंड कैलेक्स तो करेक्ट आंसर बताना है क्या हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर और जितने प्रेजेंट हैं यहाँ सेशन को सभी लाइक करेंगे और फटाफट पत क्वेश्चन नंबर सिक्स का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएंगे क्या पूछ रहा है आपसे नॉन नेसेसरी पूछ रहा है बिल्कुल बिल्कुल काफी करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही तो करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैलेक्स और की बात करें ये नॉन असेंशियल होल्स हैं, नॉन एसेसरी होल्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर है हमारे पास सेवन क्वेश्चन क्या है फ्रॉम सेट्स ऑफ गिवन फ्रॉम बिलो आइडेंटिफाई दो दैट आर टेड विद गायनोशियम आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है उन टर्म्स के बारे में गिवन टर्म्स का सेट है यहाँ आइडेंटिफाई करना है जिनका एसोसिएशन गायनोशियम के साथ देखने को मिले गायनोशियम के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे आंसर कर दो स्टिकमा ओव्यूल एम्ब्रियोसेक प्लेसेंटा बी दे रखा है थे पिस्टल स्टाइल ओव्यूल सी है ओव्यूल ओवरी एम्ब्रियोसेकेटम और डी है ओव्यूल

करेक्ट आंसर काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर की बात करें बिल्कुल सही था आप सभी का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टिग्मा ओव्यूल और प्लेसेंटा ये चारों किसके साथ एसोसिएट देखने को मिलता है हमें चारों देखने को मिलती है एसोसिएशन में विद गायनोशियम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन क्या है द दीज ड्यूरिंग अर्ली एंड मिडल फीटल लाइफ इज लोकेटेड इन द यहाँ आपको बताना है कि टेस्टीज के बारे में बात कर रहे हैं टेस्टीज जो है अर्ली और मिडल फीटर लाइफ के टाइम में कहा प्रेजेंट होती है तो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए है इंग्विनल कनाल बी दे रखा है कैविटी कैविटी सी है है पेल्विक एंड ऑप्शन डी करेक्ट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर एट का क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट आंसर करेंगे भाई मेरा आज कोई जन्मदिन नहीं है क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो करेक्ट आंसर कर रहे हो पढ़ने के लिए आए हो तो प्लीज पढ़ाई कर लो करेक्ट आंसर बताओ इसका क्या होगा वो बोल रहे हैं टेस्टीज़ ड्यूरिंग अर्ली इन फीटो लाइफ इज लोकेटेड इन द कहां पर लोकेट होती है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बी सी डी में से आंसर करना है यहाँ पे वेरी गुड एवरीवन बिल्कुल सही है मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट हैं तो बिल्कुल सही कहाँ प्रेजेंट होती है भाई अर्ली डेवलपमेंट फीटल स्टेज में जब होती है तो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइन है क्वेश्चन क्या है आपके सामने टेस्टिस बिगिन टू डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन ड्यूरिंग थर्ड वीक ऑफ जेस्टेशन एंड डिसेंड इज कंप्लीटली बाय डैश वीक ऑफ जेस्टेशन यानी कि ये आपसे पूछ रहे हैं की टेस्टीज जो है एबडोम से कब डिसेंड होना शुरू हो जाती है किस टाइम पे किस वीक ऑफ गेस्टेशन में वो जो है स्कॉटम की तरफ मूव करती है तो करेक्ट बता दो क्या होगा ऑप्शन दे रखा है टेंथ वीक ऑफ जेस्टेशन बी दे रखा है फिफ्टीन सी है ट्वेंटी एट और डी दे रखा है एटीन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन का क्वेश्चन नंबर नाइन का करेक्ट आंसर ध्यान से देख लो वो आपसे पूछ रहा है किस टाइम पीरियड पे कौन सा टाइम है वो जब टेस्टीज जो है वो कंप्लीटली डिसेंड कर जाती हैं और स्कॉटम में मूव करने लगती हैं करेक्ट आंसर बताओ भाई किस टाइम पीरियड पे होगा करेक्ट आंसर की बात करें तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि ट्वेंटी वीक ऑफ जेस्टेशन में डिसेंट जो है वो देखा जाता है

इस क्वेश्चन को ध्यान रखना वो आपसे पूछेंगे ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है फेलियर ऑफ डिसेंड ऑफ टेस्टिस इन स्कॉटल सैक इज कॉल्ड क्या कहलाता है भाई ये करेक्ट आंसर करेंगे सभी और जितने प्रेजेंट है सेशन को लाइक करेंगे बिल्कुल मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट है और जिन्हें नहीं पता भाई तुक्के मत लगाओ वेट कर लो करेक्ट आंसर मिल जाएगा करेक्ट आंसर की बात करें करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है क्या कहलाता है कि जब मूव नहीं कर पाती एक की तरफ तब हम इसे क्या बोलते हैं क्रिप्टो क्रिडिज्म बोला जाता है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या है क्वेश्चन नंबर इलेवन का आंसर करना है आपने क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या है क्वेश्चन में है द कंपार्टमेंट ऑफ स्कॉटम इनक्लोजिस आपको बताना है ईच कंपार्टमेंट ऑफ स्कॉटम इनक्लोजिस क्या होता है स्कॉर्टम में तो ऑप्शन देख लो टेस्टीज एपिडिडाइमिस दे रखा है बी बोल रहे हैं टेस्टीज एपिडिडाइमिस एंड स्पर्मेटिक कोर्ट सीधे रखा है टेस्टिस स्पर्मेटिक कोड एंड अ पार्ट ऑफ वास डिफरेंस और डी है यहाँ पे टेस्टिस एपिडिडाइमिस स्पर्मेटिक कोड एंड पार्ट ऑफ वास डिफरेंस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ईच कंपार्टमेंट ऑफ स्कॉटम इनक्लोजेस करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ भाई क्या होगा ध्यान से पढ़ लो गुड एम और बच्चे बताइए भाई करेक्ट आंसर देना है क्वेश्चन पढ़ लो ईच कंपार्टमेंट ऑफ स्कॉटम एनक्लोजेस वेरी गुड एवरीवन काफी बच्चों के आंसर करेक्ट हैं और जितने प्रेजेंट है भाई सेशन को लाइक कर देना काफी अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपके आंसर आज काफी करेक्ट हैं बिल्कुल सही तो करेक्ट आंसर की बात करें इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि टेस्टिस एपिडिडाइमिस

गुड और बच्चे करेक्ट आंसर करना है भाई करेक्ट आंसर क्या होगा कुछ बच्चों के आंसर करेक्ट है यहाँ करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी की कोरोना टाइम ऑफ ओव्यूलेशन चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ आपको क्या सिलेक्ट करना है आइडेंटिफाई वन फ्रॉम वन सेलेक्ट करना है ऑप्शन देख लो माइनोरा बी है फिमरे सी दे रखा है इन फेंडिबुलम और डी है इस्तेमाल तो करेक्ट आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आइडेंटिफाई करना है ऑड वन यहाँ पे देख लो यहाँ जितना भी इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है सारा का सारा किस में आता है भाई फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अब यहाँ पे कुछ दे रखा है इन्होंने वेरी गुड एवरी काफी बच्चों के आंसर करेक्ट हैं बिल्कुल सही बोल रहे हो तो यहाँ पे बात करें ये किसका पार्ट दे रखा है भाई ये दे रखा है एक्सटर्नल का और जबकि इन्फेंटिबुलम फिमरे और इस्टमस की बात करें ये तीनों पार्ट जो हैं वो इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑड वन सेलेक्ट करना था ऑर्ड वन क्या हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाइबिया माइनोरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर की तरफ आपको बताना है द बेस्ट बेस्ट वे वे टू डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज आपको बतानी है कि आप किस तरीके का इस्तेमाल करके पॉपुलेशन जो है किसी भी कंट्री का डिक्रीज कर सकते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है टू एजुकेट पीपल बी दे रखा है टू हैव बेटर हाउसेज सी दे रखा है टू किल पीपल ऑन अ लार्ज स्केल और डी क्या है यहाँ टू प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंट फैमिली प्लानिंग तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है तो कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन डिक्रीज के लिए कौन सा बेस्ट तरीका है गिवन ऑप्शन में से जो अपनाया जा सकता है इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसमें करेक्ट आंसर कर दो भाई अच्छा ये जितने सी बोल रहे हैं टू किल पीपल ऑन लार्ज स्केल अगर ये बात अगर आप तक आ गई तब कितना अच्छा रहेगा ना ये कैसे ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो आप लोग अब सेंस तो नहीं है सी ऑप्शन का लेकिन क्वेश्चन में है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा गुड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आंसर करेक्ट है लेकिन एक ऑप्शन ऐसा देख के परेशान मत हुआ करो ज्यादा ही हो जाते हो भाई तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यहाँ पे फैमिली प्लानिंग जो है इम्प्लीमेंट कराना चाहिए वहां के जो लोग हैं उन्हें एजुकेट करना चाहिए फैमिली प्लानिंग को लेके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन है आपके सामने अमीनो इज ए टू बताना है आपको कि ये जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं ऑप्शन देख लो डिटरमाइन एरर्स इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म इन एम्ब्रियो बी दे रखा है पिन पॉइंट स्पेसिफिक कार्डियक अलाइनमेंट इन एम्ब्रियो सी है डिटरमाइन एनी हेरिडेटरी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी इन एम्ब्रियन डी दे रखा है ऑल ऑफ द अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अमीनो सिंथेसिस की बात कर रहे हैं यहाँ किसकी बात कर रहे हैं अमीनो सेंटेसिस टेक्निक के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको बताना है किस काम आती है क्या हम इसका इस्तेमाल करते हैं किस वे में हमें बेनिफिट करती है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा

सिरिंज वगैरह से उसे निकाल के फिर उसका टेस्ट करते हैं यहाँ सर्टेन बायोकेमिकल एंजाइम्स और जेनेटिक एबनॉर्मिलिटीज एम्ब्रियो की जो है उसे पता लगाने की कोशिश करते हैं चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ नंबर है क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन कैन बी नेगेटिव ध्यान से आंसर करना वो आपसे पूछ रहा है कि गिवन पैरामीटर में से पॉपुलेशन के रिगार्डिंग जो दे रखे हैं कौन सा नेगेटिव हो सकता है ऑप्शन क्या दे रखा है ऑप्शन ए है बर्थ रेट बी दे रखा है रिप्लेसमेंट लेवल सी दे रखा है ग्रोथ रेट और ऑप्शन डी दे रखा है ऑल ऑफ दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी नेगेटिव कौन सा नेगेटिव हो सकता है गिवन ऑप्शन में से करेक्ट आंसर करेंगे सभी करेक्ट आंसर करना है ध्यान से देख लो आपको क्या बताना है अ फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन कैन बी नेगेटिव कौन सा नेगेटिव हो सकता है करेक्ट देख लो ऑप्शन दे रखा है बर्थ रेट रिप्लेसमेंट लेवल ग्रोथ रेट और सी डी दे रखा है इन्होंने ऑल ऑफ दिस गुड कृष्णा और बच्चे बताइए करेक्ट आंसर बताना है करेक्ट आंसर लेकिन यहाँ भेड़ चाल है एक के पीछे एक लगी जाना है करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रोथ रेट इसका ध्यान रखना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो होता है इज द एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट देखते हैं हम लोग तो यहाँ पे बात करें कैन बी नेगेटिव पैरामीटर लेकिन बर्थ रेट और इसके साथ रिप्लेसमेंट लेवल देखोगे तो ध्यान रखना ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है ऑन विच ऑफ फॉलोइंग फैक्ट इज द मेथड ऑफ प्रियोडिक एपस्टेशन बेस्ड तो आपको बताना है कौन से फैक्ट पे जो मेथड है प्रियोडिक एपस्टेशन का बेस्ड है

और नेचुरल मेथड की बात करें तो ये जो था प्रियोडिक एक्स्टेशन ये चारों पे बेस्ड था यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है क्वेश्चन ध्यान से आंसर करना द कलर बेस्ड कंट्रास्टिंग ट्रेड इन सेवन कंट्रास्टिंग पेयर स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट वर आपको बताना है मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट में कंट्रास्टिंग पेयर पढ़े थे उसमें से कितने ऐसे हैं जो कलर बेस्ड थे ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए में वन है बी में सेकेंड है सी में थर्ड है और डी में फोर्थ है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताओ भाई और जितने प्रेजेंट है सारे सेशन को लाइक करेंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जल्दी से आंसर करो कलर बेस्ड पूछ रहा है मेंडल ने जो सात कैरेक्टर लिए थे उन सात कैरेक्टर में से मेंडल ने कलर बेस्ड वाले कितने लिए थे ध्यान से देख लो क्या होगा वेरी गुड मॉर्निंग गुड संध्या गुड सोनाली विकास काफी बच्चों के करेक्ट है राशि एक बार देख लो क्रॉस चेक कर लो करेक्ट आंसर बताना है बिल्कुल सही मैक्सिमम बच्चों के करेक्ट थे बिल्कुल सही तो यहाँ पे बात करें तीन थे तीन कलर बेस्ड थे कौन कौन से थे भाई वो कलर बेस्ड कैरेक्टर जो मैंडल ने लिए थे कौन सा था एक? एक था यहाँ सीड का कलर दूसरा कौन सा था फ्लार कलर था और यहाँ तीसरा कौन सा लिया था मैंडल ने पोर्ड का कलर तो तीन ही तो लिए थे कलर बेस्ड चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते नाइनटीन क्या है डैश पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड वर्सेड बाय तो करेक्ट आंसर बता दो कि मेंडल ने टोटल कितने कंट्रास्टिंग ट्रेड जो लिए थे और पी प्लांट में पड़े थे यहाँ करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन दे रखा है ए सिक्स बी बोल रहे हैं सेवन है एट सी दे रखा है इन्होंने एट और डी दे रखा है इन्होंने टेन तो करेक्ट आंसर बता दो करेक्ट आंसर बता दो गोड शेफाली करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे डैश पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड वॉर स्टडीड बाय इन पी प्लांट वेरी बाई में शुक्र है कि आप लोगों को इसका आंसर सही पता है और अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया करेक्ट किया वेरी गुड बिल्कुल सही तो कितने कैरेक्टर लिए थे भाई मेंडल ने यहाँ पढ़ाई करने के लिए मेंडल पी प्लांट के कैरेक्टर पढ़ने के लिए तो सेवन कैरेक्टर्स लिए थे चलते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर की तरफ ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन क्या है जीन्स दैट कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड आर नोन एज आपको बताना है वो जीन जो कोड करता है पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड को उसे क्या बोलते हैं डोमिनेंट जीन बोलते हैं एलील बोलते हैं लिंक्ड जीन बोलते हैं या फिर नॉन ऑफ दीज यहाँ ध्यान से आंसर करना है ये टर्म आपने पढ़ी हुई है ये टर्म आपने पढ़ी हुई है करेक्ट आंसर बताना है आपको जीन्स दैट कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड आर नोन एज डोमिनेंट जीन बोलोगे यहाँ डोमिनेंट जीन बोलोगे एलियर बोलोगे लिंक्ड क्वेश्चन बोलोगे या नन ऑफ दीज बोलोगे करेक्ट आंसर बताओ भाई गुड बिल्कुल करेक्ट है काफी बच्चों के आंसर सही है यहाँ तो करेक्ट आंसर की बात करें क्या कहलाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी एलील बोलेंगे जो कंट्रास्टिंग पेयर के को कोड करता है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी क्या है? की बात कर रहे है कि किस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा ऑप्शन दे रखा है होमोजाइगस कंडीशन ओनली सी दे रखा है एफ थ्री जनरेशन और डी है बोथ होमोजाइगस एंड कंडीशन करेक्ट तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए अगर हो रहा है, तो कंडीशन कैसी होगी पक्का वो होमोजाइगस कंडीशन में ही प्रेजेंट होगा तो करेक्ट आंसर की बात करें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिसेसिव एलील हमेशा होमोजाइगस में ही एक्सप्रेस होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पे चलते हैं क्वेश्चन क्या है द करेक्टर विच अपेयर इन फर्स्ट फीलियल जनरेशन आर कॉल्ड यहाँ पे जो एफ वन जनरेशन पढ़ते हो क्रॉस करा के तो यहाँ एफ वन जनरेशन में जो कैरेक्टर नजर आता है उसकी बात कर रहे हैं द कैरेक्टर विच अपेयर इन एफ वन जनरेशन आर कॉल्ड क्या बोलते हैं उसे रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं हॉलेंड्रिक कैरेक्टर या फिर लीथल कैरेक्टर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का बिल्कुल करेक्ट आंसर करना जितने प्रेजेंट भाई सेशन को लाइक कर देना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट हैं तो जब क्रॉस करवा के देखते हैं एफ वन जनरेशन आती है तो एफ वन जनरेशन में हमें जो देखने को मिलता है वो क्या होता है डोमिनेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री की तरफ वॉट इज नॉट ट्रू अबाउट एलील ध्यान से पढ़ना और आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है एलील को लेके ऑप्शन दे रखा है टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन आर कॉल्ड एलील और एलिमोर्फ बी दे रखा है राउंड एंड रिंकल्ड फॉर्म ऑफ जीन आर एलील ऑफ ईच अदर सी है एलील ऑक्यूपाई डिफरेंट लोकाई ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम ऑप्शन डी है एलील डू नॉट शो इन कम्प्लीट डोमिनेंस क्या सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ऑप्शंस ऑप्शन से पढ़ लो करेक्ट आंसर करना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ट्वेंटी थ्री ऑप्शन देख लो टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड एलील और एलिमोर्फ राउंड एंड रिंकल्ड फॉर्म ऑफ चीन आर एलील ऑफ ईच अदर सीधे रखा है एलील ऑक्यूपाई डिफरेंट होमोलोगस होमोलोकोसोमोजोम और डी क्या है एलील डू नॉट शो इन कम्पलीट तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर की बात करें ध्यान से पढ़ के आंसर कर लो ध्यान से पढ़ के तो करेक्ट आंसर की बात करें हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी यहां आपको ध्यान होना चाहिए एलील्स इन्होंने क्या दे रखा है यहाँ

सी है आपके पास एसिडिक पॉजिटिवली चार्ज और डी दे रखा है एसिडिक एंड नेगेटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन की बात करें आपको अच्छे से पता होगा हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं डीएनए की पैकिंग में इन्वॉल्व होते हैं हेल्प करते हैं डीएनए को पैक कराने में तो आपको बताना है इसका नेचर कैसा है और चार्ज कैसा है बेसिक है या एसिडिक पॉजिटिव है या फिर नेगेटिवली चार्ज है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पूछ रहे हैं तो काफी बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट है प्रोटीन की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन हमारे बेसिक होते हैं नेचर में और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जिसके ऊपर एसिडिक हमारा डीएनए और डीएनए की बात करें तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए इसके ऊपर राप करता है पैकिंग हो पाती है आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स आपको आइडेंटिफाई करना है ए बी सी क्या है गिवन डायग्राम में यहां देख लो ए किसे बोलोगे बी क्या है यहां और ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन देख लो ऑप्शन ए में बोल रहे हैं ए डी एन ए है बी को बोल रहे हैं एच वन हिस्टोन है और सी को बोल रहे हैं हिस्टोन ऑक्टामर बी दे रखा ऑप्शन ए को बोल रहे हैं आर एन ए बी सिस्टोन है और सी क्या बोल रहे हैं डीएनए ऑप्शन सी में ए डी एन ए है बी हमारा एच थ्री हिस्टोन है और सी हमारा हिस्टोन टेट्रामर है डी क्या दे रखा है इन्होंने ए को बोल रहे हैं बी हमारा एच वन स्टोन है और सी क्या दे रखा है स्टोन तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर वेरी गुड एवरी वन मैक्सिमम बच्चों के आंसर करेक्ट बिल्कुल सही बोल रहे हो तो यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ये जो ए था ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है डीएनए को ये 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 जो जो है 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 किसे कर कर रहा रहा को और ये जो इन्होंने दे रखा था जिसे पूछ रहे थे क्या क्या तो हो हो जाएगा जाएगा हमारे पास option number A हो जाएगा. चलते हैं तरफ देखते हैं कितने बच्चे करेक्ट आंसर करेंगे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना क्वेश्चन है आपके सामने द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल आपको किसका नंबर पावर सेवन न्यूक्लियोसोम है न्यूक्लियोसोम कि सी दे रखा है की पावर सेवन न्यूक्लियोसोम और डी दे रखा है इनडेफिनेट तो करेक्ट आंसर बताओ सॉल्व कर लो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम पूछ रहा है वेरी गुड एवरी वन काफी बच्चों को पता है और जिन्हें नहीं पता है वो इसका करेक्ट आंसर रखेंगे की बात करें, इसका कितना बेस पेयर होता है तो लगभग दो सौ बेस पेयर मिला के एक न्यूक्लियर सोम बनता है और यहाँ बात करें टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर अगर हम देखे ह्यूमन जेनेटिक मटीरियल में तो कितना होता है सिक्स पॉइंट सिक्स की पावर Nine होता है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम निकालना है आप सिंपली इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो जो आंसर आपका कितना आ जाएगा जाएगा की पावर 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट राइबोजाइम्स के बारे में बताना है राइबोसाइम्स क्या होते हैं तो और क्या दे रखा है इन्होंने ऑप्शन ऑप्शन ए है आर एक्टिंग एन एनजाइम

बी दे रखा है अफ्रीकन कैटफिश इज नॉट अ थ्री ऑफ ट्रीट टू इंडिजीनियस कैट फिशेज सी दे रखा है स्टेलर सी एनिमल और डी है लेंथेनम इज प्रॉपरलीपरली नोन एज कैरेट ग्रास ध्यान से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा भाई यहाँ क्वेश्चन नंबर हम ट्वेंटी नाइन पे हैं वेरी गुड तो करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हो आप सब और जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है स्टीलर इज एन एनिमल तो ये बात जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर है चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी पे आपको क्या दे रखा है एक डायग्राम दे रखा है ये डायग्राम द प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ मेजर ग्रुप ऑफ इनवर्टी ब्रेड इनवर्टी ब्रेड का दे रखा है आपको बताना है यहाँ पे ए और बी क्या होगा देख लो भाई यहाँ पे एनसीआर का है और करेक्ट होना चाहिए इसका आंसर ए और बी क्या होगा तो ए क्या बोल रहे हैं ऑप्शन में इंसेक्ट और मोलास्कस एंड एनिडर तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपको बताना है ए और बी किसे रिप्रेजेंट करेगा किसे रिप्रेजेंट करेगा ए और बी करेक्ट आंसर बताएंगे सभी भाई ध्यान से देख लो काफ़ी इजी है काफ़ी बच्चों के आंसर करेक्ट हैं तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए यानी कि इंसेक्ट और बी किसके लिए था मलास्कस के लिए था चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पे आपको बताना है द कॉमन कॉल्ड इज कॉज बाय कॉमन कॉल्ड की बात करें तो किससे होता है ऑप्शन दे रखा है रीनो वायरस बी दे रखा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया सी है आपके पास सलमोनेरा टाइफिमोरियम और डी दे रखा है प्लास्मोडियम कॉमन कॉल्ड की बात करें हर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है यहाँ तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर मैक्सिमम बच्चों के करेक्ट है और बच्चे बताइए भाई कॉमन कॉल्ड के बारे में पूछ रहे हैं किससे होता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है वेरी गुड तो काफी बच्चों के करेक्ट है काफी बच्चों के आंसर करेक्ट हैं तो करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए यानी कि रीनो वायरस कॉमन कोल्ड देखा जाता है चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू की तरफ क्वेश्चन क्या है कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया आपको बताना है यहाँ पे कॉमन कोल्ड जो है वो निमोनिया से डिफर है तो किस वजह से ऑप्शन दे रखा है निमोनिया इज कॉज बाय वायरस वेयर एज कॉमन कोल्ड इज कॉज बाय बैक्टीरिया

बिल्कुल काफी बच्चों के करेक्ट हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो तो करेक्ट आंसर की बात करें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निमोनिया की बात करें तो निमोनिया जो है वो इन्फेक्ट करता है लंग्स तक लेकिन यहाँ पे कॉमन कोल्ड की बात करें तो वो नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही इन्फेक्ट करता है लेकिन लंग्स तक इन्फेक्शन नहीं जाता लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री पे चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलेट्री बर्ड इज नॉट एन इंग्लिश ब्रीड आपको बताना है ऑप्शन है पॉलिट्री बर्ड्स दे रखा है आपको बताना है इनमें से कौन सी इंग्लिश ब्रीड नहीं है तो यहाँ करेक्ट आंसर जिन्हें पता है वो बता दो जिन्हें नहीं पता वो ध्यान रख लेना तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री का करेक्ट आंसर बताइए भाई क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर क्या होगा जिन्हें पता है वो बता दो जिन्हें नहीं पता कोई बात नहीं ध्यान रख लेना अपनी एनसीईआरटी पे कहीं नोट कर लेना करेक्ट आंसर की बात करें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन सी इज अ चिकन ब्रीड है ये विद ओरिजिन फ्रॉम द आइलैंड ऑफ मिनोरका इन द आइलैंड ऑफ 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 साउथ साउथ ईस्ट ईस्ट स्पेन तो ध्यान रखना इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थर्टी फोर क्वेश्चन क्या है हाई मिल्कल क्रॉस ब्रीड फ्रिसवाल की बात कर रहे हैं इस प्रोड्यू इस प्रोडक्ट ऑफ आपको बताना है किसका प्रोडक्ट है ऑप्शंस देख लो ऑप्शन देख लो देखो ऑप्शन क्या दे रखा है Brown, Swiss, और Sahiwal, Fidsian, Sahiwal, Holstein, और D दे रखा है इन्होंने राउंडसेस एंड रेड सिंधी तो करेक्ट आंसर नाम से ही पता चल जाएगा नाम को ही ब्रेक करके देख लो आराम से आंसर मिल जाएगा नाम को ही ब्रेक करके देख लो बिल्कुल सही काफी बच्चों ने आंसर क्लिक कर गए बिल्कुल करेक्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप नाम से इसको नाम ही जो इसका दे रखा है उसे ब्रेक कर लो तो आपको करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल होगा चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव द केमिकल सब्सटांस प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स विच कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स आर कॉल्ड यानी कि आपको बताना है जो केमिकल सब्सटांस है जो छोटे माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं जो दूसरे माइक्रोब्स को मार भी सकते हैं या उनकी ग्रोथ को रिटार्ड भी कर सकते हैं ये क्या कहलाते हैं एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक्स या फिर ऑल ऑफ़ दिस। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव का क्या हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव का ध्यान से देख लो ऐसा मतलब ये पूछ रहे हैं केमिकल सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोब्स जिसकी वजह से दूसरे माइक्रोब्स या तो मर सकते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को ही कर दें क्या बोलोगे आप इस केमिकल सब्सटेंस को बिल्कुल करेक्ट काफी बच्चों के आंसर करेक्ट है ध्यान रखना इसे क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक्स बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थर्टी सिक्स है एंटीबायोटिक्स के बारे में पूछ रहे हैं आर बाय फ्रॉम किससे ऑप्टेन किया जाता है ऑप्शन दे रखा है बैक्टीरिया

कृष्णा आपका आंसर गलत है प्रिंस गलत है आंसर भाई करेक्ट आंसर ध्यान रखना ये आपसे पूछ रहे हैं एंटीबायोटिक्स आर ऑप्टेन गिवन ऑप्शन देख लो तो यहाँ पे इन्होंने जो तीनों ऑप्शन दे रखे थे वो तीनों ऐसे हैं जहाँ से एंटीबायोटिक ऑप्टेन किया जाता है चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन की तरफ क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन है आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक एक्सटेंसिवली टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर यानी कि वर्ल्ड वॉर में जो अमेरिकन सोल्जर्स थे उन्हें किस एंटीबायोटिक से ट्रीट किया गया था ऑप्शन देख लो ऑप्शन ए दे रखा है नियोमाइसिन सी दे रखा है क्लोरोफिनकोल और डी दे रखा है पेनिसिलिन तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा और ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपने जर्नली भी काफी बार सुना होगा तो इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए किससे ट्रीट किया गया था बिल्कुल सही बिल्कुल सही करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम जो अमेरिका के सोल्जर्स थे उन्हें ट्रीट किया गया था भाई पेनिंग से ट्रीट किया गया था चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट की तरफ आंसर करना है

और डी दे रखा है सिलेक्टेबल मार्कर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट बता दो भाई कौन सा पेयर इन करेक्टली मैच है बिल्कुल सही काफी बच्चों के आंसर करेक्ट है तो आपको अच्छे से पता है डीएनए लाइगेस का काम जो इन्होंने दे रखा है डीएनए लाइगेस का ये काम नहीं होता यहाँ डीएनए लाइगेस मल्टीप्लीकेशन नहीं करवाता रिकॉम डीएनए मॉलिक्यूल की डीएनए लाइगेस का काम क्या है कि यहाँ जो डिफरेंट सेगमेंट होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करता है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन क्या है ट्रांसजीन इंट्रोड्यूस इन फर्स्ट ट्रांसजीनिकाओ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ यानी कि यहाँ जो फर्स्ट ट्रांसजीनिक थी उसके अंदर जो ट्रांसजीन लगाया गया तो हमने उसका इस्तेमाल जो जीन है उससे हमने किस चीज का प्रोडक्शन करवाना चाहा ऑप्शन क्या दे रखा है ए दे रखा है एल्ब्यूमिन एनरिच मिल्क बी दे रखा है प्रोटीन एनरिच मिल्क सी है हमारे पास ह्यूमन प्रोटीन एन रिच मिल्क और डी दे रखा है vitamins, enriched milk. पता होना चाहिए भाई बता दो किस चीज का प्रोडक्शन था वेरी गुड राज वेरी गुड कृष्णा और बच्चे बताइए गुड अली काफी बच्चों के करेक्ट है वेरी गुड अनिल आदर्श लक्ष्य

तो यहाँ पूछ रहे हैं कितना अमाउंट था एल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन का इन मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक का ऑप्शन क्या दे रखा है 4.2 ग्राम्स पर लीटर बी दे रखा है 2.4 ग्राम्स पर लीटर सी है यहाँ 3.4 ग्राम्स पर लीटर और डी क्या है यहाँ ऑप्शन डी है 4.4 ग्राम्स पर लीटर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी का काफी बच्चों को पता है और बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का वेरी गुड तो करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा कितने ग्राम यहाँ लेक्ट एल्ब्यूमिन मिलता था भाई 2. 5, 2. ग्राम्स जो है पर लीटर देखने को मिलता था चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है इज द बताइए क्या होता है ये ऑप्शन दे रखा है रिलेशन ऑफ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन ऑफ इट्स एनवायरमेंट बी दे रखा है रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरमेंट सी दे रखा है रिलेशन ऑफ कम्युनिटी टू इट्स एनवायरनमेंट और डी है यहाँ रिलेशन ऑफ अ बायोम टू इट्स एनवायरनमेंट करेक्ट आंसर आपने पढ़ा है आपको टर्म भी पता होनी चाहिए तो पूछ पूछ रहे रहे हैं हैं के बारे में पूछ रहे कि ये किससे डिस्क्राइब कर रहा है रिलेशन ऑफ हेड्रोजीनियस पॉपुलेशन टू इट्स एनवायरमेंट बी दे रखा है रिलेशन ऑफ अ इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरमेंट सी है रिलेशन ऑफ अ कम्युनिटी टू इट्स एनवायरमेंट और डी दे रखा है रिलेशन ऑफ बायोम टू इट्स एनवायरमेंट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर करना है यहाँ पे भीड़ मत लगानी शुरू कर देना एक के बाद एक तो यहाँ कुछ ही बच्चों का आंसर आंसर करेक्ट करेक्ट है correct की बात करें ऑप्शन नंबर बी प्रिंस का आंसर बिल्कुल करेक्ट था आपको ध्यान रखना है किसके बीच का रिलेशन होता है रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरमेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन क्या है अब by बताओ प्रोटोजोन का नंबर कितना होगा सिक्स जनरेशन के बाद लगा लो कैलकुलेट कर लो आराम से ऑप्शन देख लो वन टू एट दे रखा है बी दे रखा है ट्वेंटी फोर सी है यहाँ सिक्सटी फोर और डी है यहाँ थर्टी टू ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं प्रोटोजोन रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस कर रहा है और आपको बताना है कि कितना प्रोटोजोन हो जाएगा पॉपुलेशन में सिक्स जनरेशन के बाद तो करेक्ट आंसर कर दो क्या होगा सॉल्व कर लो करेक्ट आंसर बताओ गुड कृष्णा और बच्चे बताइए भाई और जितने प्रेजेंट है सेशन को लाइक करेंगे वेरी गुड काफी बच्चों को आंसर करेक्ट कराया काफी बच्चों ने करेक्ट आंसर की बात करें पता ही चल गया कि भाई बाइनरी फिजन कर रहा है यानी कि हर डिवीजन के बाद एक सेल से दो सेल बन जाएगी कितनी जनरेशन पूछ रहा है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिक्सटी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी थ्री एसोसिएशन ऑफ की बात करें आपको बताना है किसका एसोसिएशन है ऑप्शंस देख लो ये दे रखा है बैक्टीरिया फंगस बी दे रखा है एलगी एंड बैक्टीरियम सी है फंगस एंड एलगी और डी दे रखा है यहाँ ऑप्शन डी है फंगस एंड वायरस तो लाइकेंस की बात करें लाइकेंस क्या होते हैं किन दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मिलकर एसोसिएट होके लाइकेन बनाते हैं करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर बताइए ध्यान से लाइकेंस की बात करें तो हम इन्हें बोलते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर मेजरली एसओ टू को लेके काफी सेंसिटिव होते हैं जिस भी जगह एसओ अगर प्रेजेंट है तो वहां पे लाइकेन की ग्रोथ नहीं देखी जाएगी वेरी गुड काफी बच्चों के आंसर करेक्ट हैं। अच्छा चलो आपने आंसर कर दिया आपके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है की बात करें तो फंगस और इसके साथ एलगी का एसोसिएशन देखा जाता है तो ये बता दो कि ये जो फंगस है फंगस है इसे क्या बोलते हैं और ये जो एल्गी है इसे क्या नाम देते हैं हम इन्हें कोई टर्म देते स्पेसिफिक टर्म देते हैं टर्म बता दो क्या है वो आंसर सही है आंसर सही है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला आपने यहाँ बता दो ये जो फंगस है इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं और एलगी है इसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं? बिल्कुल एसोसिएशन में रहते हैं सिम्बाइटिक एसोसिएशन एक रहने की जगह दे रहा है दूसरी खाने को खाना प्रोवाइड कर रहा है करेक्ट बता दो फंगस के लिए कौन सी टर्म होगी और एलगी के लिए कौन सी टर्म होगी देखते हैं आपको क्लास इलेवेंथ कितनी याद है कितनी याद है क्लास इलेवंथ अब ये माइकोबाय बोला है सैयद ही किसके लिए है वेरी गुड शिव कर माइकोबायकोबाय फंगस तो की बात करें इसके लिए क्या आता है माइकोबायट और एलगी की बात करें इसके लिए क्या आता है पी यानी कि फाइकोबाय इसे कैसे याद रख सकते हो भाई आप सिंपली याद रख सकते हो एफ एम एंड ए पी दोनों में से एक भी चीज याद रह जाएगी तो आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर है क्वेश्चन क्या है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय वो क्या पूछ रहे हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में पूछ रहे हैं इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय ये काम कौन करता है तो ऑप्शन दे रखा है फाइटो बी दे रखा है कंज्यूमर सी है डीकम्पोजर और डी दे रखा है प्लांट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर करेक्ट आंसर बताओ करेक्ट आंसर बताओ करेक्ट ध्यान से देख लो फाइटो प्लांगटन है कंज्यूमर है डिकम्पोजर है या प्लांट है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पूछ रहे हैं वेरी गुड शिवकर गुड सैयद पंकज गुड सान्या बिल्कुल सही कृष्णा शिफाली लक्ष्मी काफी बच्चों के करेक्ट है बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो तो क्या बोलते हैं यहाँ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फोर्टी फाइव पे चलते हैं इन एन इको सिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टर्म करेक्ट आंसर बताएंगे आपको बताना है इकोसिस्टम में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इसे क्या बोलते हो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है ऑर्गेनिक मैटर का क्या कहलाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलोगे नेट प्रोडक्टिविटी बोलोगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलोगे या फिर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी करेक्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर करना है ध्यान से पढ़ लो वो आपसे पूछ रहे हैं द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटो सिंथेसिस इज टर्म्ड एज क्या बोलते हैं भाई इसे करेक्ट आंसर क्या बोलते हैं इसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी नेट प्रोडक्टिविटी या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी करेक्ट आंसर बताएंगे करेक्ट आंसर बताएंगे करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर क्या हो जाएगा आपसे वो पूछ रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस करेक्ट आंसर करना है करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं भाई एनपीपी जो बोल रहे हो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो इसी में से आती है जब आप इसका रेस्पिरेटरी वेट माइनस करते हो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स क्वेश्चन क्या है ट्रू एम्ब्रियो डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ बताना जरा ट्रू एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं कि ट्रू एम्ब्रियो डेवलप एज अ रिजल्ट तो किसके फ्यूजन से बनेगा करेक्ट आंसर बताना है यहाँ पे क्या दे रखा है ऑप्शन ए में बोल रहे हैं टू पोलर न्यूक्लियाई ऑफ एम्ब्रियो सेक बी दे रखा है एग सेल एंड अ मेल गैमेट सी है यहाँ सिनर्जिड एंड मेल गैमेट और डी दे रखा है अ मेल गैमेट

जब एक सेल यूज करती है एक मेल गैमेट को तभी जाके क्या बनता है ट्रू एम्ब्रियो बनता है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर है और करेक्ट आंसर करेंगे पढ़ लेना तब आंसर करना देखो असर्शन क्या बोल रहा है असर्शन दे रखा है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल इज नॉट सेवियर रीजन दे रखा है इन बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स फाइटिंग इज सेवर फॉर फूड एंड शेल्टर ओनली ध्यान से यहाँ पे ध्यान देना क्या बोल रहे हैं इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल इज नॉट सीवियर ऑप्शन देख लो असरशन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरशन भी दे रखा है यहाँ बोथ असरशन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन सी दे रखा है assertion इज true बट रीजन इज फॉल्स और डी दे रखा है assertion and reason are false. Correct answer करेंगे सभी ध्यान से पढ़ना है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल इज नॉट सीवियर रीजन क्या दे रहे इन बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल द फाइटिंग इज सीवियर फॉर फूड एंड शेल्टर ओनली करेक्ट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा यहाँ डी डी आंसर है दोनों ही गलत लग रहे हैं करेक्ट आंसर की बात करें ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि और रीजन की बात करें ये दोनों ही करेक्ट हैं लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ध्यान रख लो भाई चलते हैं 48 पे 48 क्या दे रखा है assertion है यूट्रोफिकेशन शोज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इन वाटर देख लो क्या बोल रहे हैं यूट्रोफिकेशन को बोल रहे हैं कि इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इन वॉटर देखने को मिलती है रीजन दे रखा है

रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन सी है असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स और डी है यहाँ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फोर्टी एट का फोर्टी एट का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोनों ही बातें सही थी असर्शन रीजन लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये असरशन रीजन ज्यादा ही टफ पढ़ते हैं शायद फोर्टी नाइन पे ध्यान दो फोर्टी नाइन क्या है को असर्शन दे रखा है कल्चरल यूट्रोफिकेशन इन इज न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी लाइक पैसेज ऑफ सीवेज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ईटीसी रीजन दे रखा है द प्राइमरी कंटामिनेटेड फ्रॉम सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट आर नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट व्हिच एक्ट एज प्लांट न्यूट्रिएंट एंड ओवर स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एल्गी तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई ध्यान से देखो क्या बोल रहा है सर्शन में कल्चरलिकेशन रियू, की बात कर रहे हैं इस न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी यानी कि ये वाटर बॉडी का न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट करा देता है और ये किस वजह से होता है ह्यूमन एक्टिविटी जैसे पास सीवेज का पासज हो गया इंडस्ट्रियल से जो भी मटेरियल जा रहा है वो क्या कर रहा है जो लेक वगैरह प्रेजेंट है उसको क्या कर रहा है यहाँ पे उन्हें प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिएंट दे रहा है रीजन क्या दे रहे हैं यहाँ पे द प्राइमरी कंटामिनेटेड फ्रॉम सीवेज एंड इफ्लुएंट ये बोल रहे प्लांट न्यूट्रीशन की तरह करते है, जिनकी से काफी ग्रोथ देखी जाती है एल की तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर की बात करें तो ध्यान से ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट है काफी बच्चों ने बिल्कुल सही पकड़ा रीजन दोनों ही बातें सही है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था असर्शन का Five, uh, 50 पे चलते हैं क्या दे क्वेश्चन है है, है क्या दे रखा सरफेस रन ऑफ इज पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन ध्यान से आंसर करेंगे असर्शन में बोल रहे हैं कि सीवेज हो गया इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट हो गया वेस्ट वाटर हो गया आर नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन नॉन पॉइंट सोर्स यानी कि आप पर्टिकुलर सोर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अब यहाँ रीजन क्या दे रखे हैं सरफेस रन ऑफ इज पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन ये सरफेस रन ऑफ पॉइंट सोर्स यानी कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ पे जो सोर्स रहा होगा पॉल्यूशन का तो करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन क्या दे रखा है इन्होंने और ए बी सी डी में से बताओ करेक्ट क्या होगा करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी की बात करें तो असर्शन और रीजन दोनों ही गलत दिए हुए हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई ध्यान से और इसी के साथ आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें असर्शन रीजन आते हैं या आदो की सांस अटक जाती है कि अब क्या होगा तो प्रैक्टिस कर लो हो जाएंगे क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आने वाले तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप आप। यहाँ आपको फ्री और पेड बैचेस दोनों मिल जाएंगे इसी के साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल गोकुल विद गोकुल छाबड़ा के नाम से जरूर ज्वाइन कर लेना डेली लाइव क्लास का अपडेट और इसी के साथ साथ कोई भी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड यहीं प्रोवाइड करवाते हैं और आपका कोई भी डाउट कोई भी क्वारी हो सिक्स थ्री नाइन सेवन डबल सिक्स डबल टू वन टू पर कॉल या मैसेज करके पता कर सकते हैं और अगर आपको लाइव क्लास का पी चाहिए तो आपको क्या करना है आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना है यहाँ पे यहाँ आपको क्या डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से लर्न करो ऐप डाउनलोड करना है जिसे डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे स्टोर सेक्शन में जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ आपको फ्री करके एक नजर आएगा जहाँ आपको सिर्फ एक रुपये पे करना है और इसके बाद लाइव क्लास का पी आपको यहाँ मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो आज की क्लास में इतना ही दो बजे मिलते हैं केमिस्ट्री की क्लास में आ जाना भाई तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय थैंक यू